नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। कोरोना के बाद से पूरे विश्व में काफी बदलाव आए हैं और ये बदलाव सभी क्षेत्रों में देखे गए हैं, चाहे वो तकनीकी हो, व्यापारिक हो या व्यवहारिक, सब कुछ सिमट कर इंटरनेट और ऑनलाइन हो गया है। ऐसा ही कुछ बदलाव एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी आया है। अब वो दिन दूर नहीं जब कोई भी कलाकार, मेकअप आर्टिस्ट, मॉडल, कोरियोग्राफर, हेयर स्टाइलिस्ट और इवेंट मैनेजमेंट एक ही पोर्टल पर आकर काम कर सकते हैं। और ये शुरुआत हुई दिनांक 26 फरवरी 2023 जयलीला बैंक्वेट हॉल में ईमोडा ऐप लॉन्चिंग के साथ। ईमोडा और AIFA की फाउंडर मिसेस सौम्या सिंह एवं चार्ल्स विलियम्स ने इस अवसर पर सेलिब्रिटी गेस्ट मिस्टर टीटू वर्मा का बुके देकर स्वागत किया। साथ ही फर्स्ट ट्रांसजेंडर एक्टर मराठी फिल्म इंडस्ट्री गंगा जी और वार्ड नंबर 108 नवी मुंबई के कॉरपोरेटर श्री विशाल डोलास जी का भी स्वागत किया गया। इस अवसर पर जब मीडिया ने गेस्ट सेलिब्रिटी टीटू वर्मा से सवाल किया कि क्या ईमोडा जैसे ऐप भविष्य में मनोरंजन सेक्टर के लिए कारगर होंगे और इस ऐप से कैसे लाभ उठाया जा सकता है, इन प्रश्नों का जवाब देते हुए टीटू वर्मा जी ने कहा कि इस प्रकार के ऑनलाइन पोर्टल और वेबसाइट ही आने वाले भविष्य की डिमांड है। आज से 5 से 7 साल पहले तक किसी भी कलाकार, मॉडल या फिर फिल्म लाइन से जुड़े लोगों को डोर टू डोर अपने टैलेंट को प्रूफ करने के लिए ऑफिस में चक्कर लगाने पड़ते थे, जिसके चलते एक कलाकार को पैसा के साथ साथ समय भी गंवाना पड़ता था। लेकिन आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। कोरोना के बाद ऐसा बदलाव आया है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी मोबाइल के जरिए अलग अलग ऐप और पोर्टल के रूप में लोगों के हाथों में आ गई है। यही नहीं, कोई भी टैलेंट व्यक्ति देश के किसी भी कोने में बैठे बैठे अपनी प्रोफाइल को उस ऐप पर अपलोड करके आसानी से काम ले सकता है। लेकिन हाँ, इसके लिए टैलेंटेड तो होना ही पड़ेगा। टीटू वर्मा जी ने बताया कि ईमोड भी एक ऑथेंटिक पोर्टल है, जहां एक ही छत के नीचे पूरे भारत में कोई भी कहीं भी अपने हुनर को आजमा सकता है, अपने आप को इस पोर्टल पर रजिस्टर करके एक बेहतरीन काम भी कर सकता है। कार्यक्रम के अवसर पर बाकी सभी मेजबानों ने भी अपने विचार प्रकट किए। इस मौके पर कैप्टन प्रसन्नजीत सिंह पूर्वा बराई, फ्रेंचाइजी ओनर नागपुर कैटवॉक, और दीपक शेट्टी जी, फाउंडर एंड डायरेक्टर DS एंटरटेनमेंट, निशिता सुवर्णा भी उपस्थित रहीं।